नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार मनुवादियों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए ब्राह्मणवाद को और अंधविश्वास पाखंड को ख़त्म करने के लिए लगातार आपके लिए नित नए वीडियो लेकर आ रहा है। जागो पंच का ये प्रयास है कि हमारे समाज के बीच से, हमारे लोगों के बीच से ये अंधविश्वास और पाखंड नेस्तनाभूत हो जाए, ख़त्म हो जाए, जिससे हमारे लोग ब्राह्मणवाद की साजिश को समझ सकें और वह अपना पूरा का पूरा जीवन एक मानवीय जीवन जीने की ओर चल पड़े, यही एकमात्र उद्देश्य है। तो साथियों, आज जागो पंच आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया है, जिसमें अंधविश्वास को, अंधविश्वास और पाखंड की दलीलों को आपके सामने पेश करूंगा। निर्णय आपको लेना है, क्या वास्तव में यह पाखंड है या वास्तव में ये दैवीय कृपा। तो साथियों, आज हम वीडियो लेके आए हैं कि दुर्गा की मूर्ति वेश्या के आंगन की मिट्टी से क्यों बनाई जाती है। तो यहां पर जैसे ही हम बात करते हैं कि दुर्गा की मूर्ति वेश्या के आंगन की मिट्टी से क्यों बनाई जाती है, तो एक बार मनुवादियों का कलेजा हिल जाता है, वह उत्तेजित हो जाते हैं, भावावेश में आ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ मनुवादियों और ब्राह्मणवादियों ने अपनी दलीलें भी प्रस्तुत की हैं। लेकिन मैं आज आपको यह बता देना चाहता हूं कि बिना वेश्या के आंगन की मिट्टी के दुर्गा की मूर्ति को पूरा नहीं माना जाता है। भले ही वेश्या उसके लिए अपने आंगन मिट्टी को देने के लिए भले ही वो करोड़ों रुपए ले ले, लेकिन इसके लिए जितने मूर्तिकार हैं मिलकर एक मुट्ठी मिट्टी की कीमत के लिए वो लाखों रुपए दे देते हैं। भले ही एक चुटकी मूर्ति में उस बनाते वक्त डाली जाए, लेकिन डाली जरूर जाएगी, तभी जाके दुर्गा की वो मूर्ति कंप्लीट होती है। यह सत्य है, इसके पीछे गवाह है बंगाल का वो सोनागाछी इलाका, जहां पर वो वेश्याएं रहती हैं, जिनके आंगन से ये मिट्टी आती है। तो आप सभी ने पीछे पढ़ा भी होगा, इसको दैनिक जागरण ने भी कवरेज इसका किया था और इसका दैनिक भास्कर ने भी किया था, अमर उजाला ने भी किया था, मतलब दैनिक समाचार पत्रों ने 2 साल पहले ये छापा भी था कि वेश्याओं ने अपने यहाँ के आंगन की मिट्टी का रेट बढ़ा दिया है। तो साथियों, आज चलते हैं, हम बात करते हैं कि वहाँ से, वहाँ की मिट्टी क्यों लाई जाती है, वहां से मिट्टी लाने का क्या कारण है और वहां की मिट्टी से ही क्यों पूर्ण होती है दुर्गा की मूर्ति। तो साथियों, मैं ये पहले ना बताकर, ये मैं आखिरी में बताऊंगा कि ये क्यों बनाई जाती है। पहले मैं बात करूंगा कि वेश्या के आंगन से आई हुई मिट्टी की जो ये मनवादी दलीलें देते हैं कि वह क्यों वहां से मिट्टी लाई जाती है, उनकी दलीलों को सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उनकी ये दलीलें क्या तथ्य परक है। तो जो इसमें पहली जो दलील है, वो पहली दलील है कि प्राचीन काल में एक वेश्या थी और वह वेश्या जो थी वह दुर्गा की अनन्य भक्त थी, मतलब उनकी इतनी बड़ी भक्त थी कि दुर्गा खुद आकर उसे, मतलब इस कम्युनिटी को पूरे, मतलब खुश एक से थी, लेकिन प्रसन्न वो एक वेश्या से थी, लेकिन एक वेश्या को की तपस्या से खुश होकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे वेश्या समाज को तिरस्कार से बचाने के लिए स्वयं ये आदेश जारी किया कि जब तक उनके आंगन की मिट्टी
हम मेरी मूर्ति में आकर नहीं लगेगी, मेरी मूर्ति में नहीं डाली जाएगी, तब तक स्थापित नहीं की जानी चाहिए मेरी मूर्ति। तो यह परंपरा चल पड़ी। अब आप यहां पर देखिए, सबसे पहली इनकी यह दलील है, इस दलील का खंडन कैसे हो रहा है। जो दुर्गा आके ये आशीर्वाद दे सकती है, यह उन्हें तिरस्कार से बचाने के लिए वरदान दे सकती है कि तुम्हारे आंगन की मिट्टी से मेरी मूर्ति बनेगी, क्या वो दुर्गा उन्हें इस जीवन से मुक्त होने का आशीर्वाद नहीं दे सकती थी? वे उन्हें आशीर्वाद दे सकती थी कि जिस दिन कोई महिला इस तरफ के लिए कदम बढ़ाए या कोई जोर जबरदस्ती इस तरफ के लिए करे, उसे कोढ़ हो जाए, उसे तपेदिक क्षय जैसे रोग हो जाएं, ऐसे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, ऐसे श्राप क्यों नहीं दिया, ऐसे उनके रोजगार के लिए कि जैसे ही वो इस तरफ कदम बढ़ाएं, उनके सामने रोजगार के सैकड़ों साधन उपलब्ध हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? जो साधन संपन्न बना सकता है वह ऐसे आशीर्वाद क्यों देगा कि तुम्हारे आंगन से आई मिट्टी से ही मेरी मूर्ति बनेगी। आइए दलील नंबर दो पर चलते हैं। इसमें दलील दी है कि भाई, चर्चा हुई कि दुर्गा की मूर्ति वेश्या के आंगन की मिट्टी से आती है, या आखिर का कारण क्या है? तो अगला ब्राह्मणवादी या मनुवादी दूसरी दलील भी प्रस्तुत करता है। वो क्या करता है आपके सामने है, जब कोई व्यक्ति वेश्यालय के अंदर जाता है, जब वो वेश्यालय के अंदर प्रवेश करता है, तो वह अपनी पवित्रता को द्वार पर ही छोड़ जाता है। भीतर प्रवेश करने से पूर्व उसके अच्छे कर्म और अशुद्धियां वहीं दरवाजे पर रह जाती हैं और वह अंदर चला जाता है। यानी सारे उसके अच्छे कर्म बाहर रह जाते हैं, वह अंदर प्रवेश हो जाता है। और जब वो अंदर प्रवेश हो जाता है और जब सब बाहर उसकी जो अच्छे कर्म हैं और उसकी जो शुद्धियां हैं वो जब बाहर रह जाती हैं, तो इससे वह घर अंदर, इसलिए वहां की अंदर की मिट्टी पवित्र होती है। ये कोई दलील है? इससे कुछ समझ में आपको आया? जब सारे उसके अच्छे कर्म बाहर रह गए, उसके जो अशुद्धियां थी वो सब बाहर रह गए और वह अंदर गया, तो उसके अंदर जाते ही अशुद्धियां और अच्छे कर्म सब बाहर रह गए, तो अंदर जाके वो क्या हुआ? अंदर क्या करने गया था? अंदर वह इस मकसद से गया था कि वह जब वेश्यालय के अंदर कदम रख रहा है तो वह पहुंचते उसे कहेगा कि मां, मैं आपके चरणों में हाजिर हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। कि वह वहां बदनीयत से गया है, कामुक नीयत से गया है, अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए गया है। जब वह ऐसी नीयत से गया है तो चाहे उसके अच्छे कर्म, चाहे बुरे कर्म, चाहे अशुद्धियां भले ही गेट पर रह गई हूं, लेकिन उसके अंदर जाने का कर्म क्या था, यह कोई मनुवादी समझाएगा? यही दलीलें इनकी हमारे समाज में लोगों को, साधारण जो भोले भाले लोग हैं, उनको बहका देती हैं। दलील नंबर दो। दलील नंबर तीन, अभी इनकी दलीलें थमने वाली नहीं है, इनकी दलीलें और भी हैं। दलील नंबर इनकी जो तीन है, यह क्या कहते हैं कि जो वेश्याएं इस जिंदगी को चुनती हैं, अपनी इस जिंदगी को जो चुनती हैं, वह अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध करती हैं, तो वे उनके इस बुरे कर्मों से, बुरे कार्यों से मुक्ति दिलाने के लिए उनके घर के आंगन से मिट्टी लाई जाती है। अब आप आइए, किसी ने बुरे कर्म किए हैं, उन्होंने किसी ने अपराध किया है, उसने ये समझिए कि उसने इस वेश्यावृत्ति को अपनाया, समाज, इसका सबसे बड़ा कारण समाज है, इस समाज के लोगों ने उसे इस तरफ धकेला, तब जाकर वो ऐसा बनी।
लेकिन यहां पर कह के आ रहे हैं कि ये जब वो वहां पे ये कर्म कर रही है तो ये अपराध है। अब जब ये इस अपराध के लिए उसके आंगन से ये मिट्टी निकाल लाएंगे, उसके आंगन से जब ये मिट्टी ले आएंगे तो उसके सारे अपराध क्षमा हो जाएंगे और वह पुण्य में बदल जाएगा। गजब का लॉजिक है। ऐसा लॉजिक ये लाते कहां से हैं ये समझ में नहीं आता। उनके घर से मिट्टी लाके उनको कौन सा सम्मान मिलता है? हर साल उनके घर के आंगन से मिट्टी आती है क्या? ये मैं जब इन कह रहे हैं ये, तो मैं समझता हूं ये 3-4 हजार सालों से आती होगी। 3-4 हजार सालों से क्या मनुवादियों ने बेस्याओं को मां बहन कहना शुरू कर दिया? उन्हें मां समझने लगे, उन्हें बहन मानने लगे? नहीं। आज कोठों पर या बेस्यालयों में सबसे ज्यादा संख्या जाने वालों की इन्हीं मनुवादियों की है, इन्हीं ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की है। तो यहां पर क्या उन्होंने उनके आंगन से मिट्टी लाकर अपनी मां की दुर्गा की तस्वीर बनाई, अपने मूर्ति बनाई, तो क्या उन वेश्याओं की पूजा की? या दुर्गा की जब मूर्ति लगती है तो उन वेश्याओं को बुलाकर वहां मां के रूप में उनकी पूजा होती है? उन्हें कौन सा सम्मान मिल गया? आखिर उनके ऊपर ठप्पा तो वेश्या का ही लगा रहा। उन्हें कौन सा सम्मान दिला दिया इन्होंने जो उनके आंगन से मिट्टी लाके ये कहते हैं? तो इसका असली मतलब आपको आखिरी में पता चलेगा कि आखिर नाता क्या है, ये इसका मिट्टी का और दुर्गा का ये नाता क्या है, आखिर ये मिट्टी लाने के बाद भी उन्हें सम्मान क्यों नहीं मिल पाया, आखिर ये कारण क्या है। आगे अब इनकी भी दलील और भी आगे है। अब इन्होंने कहा दलील नंबर 4, इन्होंने कहा वेश्याओं को सामाजिक रूप से काट दिया गया है, उन्हें समाज से अलग कर दिया गया है, लेकिन इनके त्योहारों जो ये जो त्योहार आता है दुर्गा पूजा, इस त्योहार पर सबसे मुख्य काम जो होता है वो दुर्गा की मूर्ति बनाना होता है इस त्योहार में, नवरात्र में। और इस मूर्ति बनाने के काम में वह ये शो करते हैं कि हम आपके आंगन से मिट्टी ले जाकर मूर्ति बनाकर आपको बहुत सम्मानित कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, उनके आंगन से मिट्टी लाए, खरीद के लाए, लेकिन आपने पूरे देश में मिलकर अरबों रुपए हर वर्ष प्रतिवर्ष अरबों रुपए प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा के पंडाल सजाने में, पूरे देश की बात कर रहा हूं, एक दुर्गा मूर्ति की या पूजा की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं आप लोग आलोचना में खड़े हो जाओ, पूरे देश भर में जो ये पंडाल सजाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा की जाती है, जो धूप अगरबत्ती खर्चा की जाती है, इतने पैसे में उन महिलाओं का जीवन यापन हो सकता है जो यहां वहां पर इस बुरे कर्म में, अनैतिक कर्म में लिप्त हैं, उनका जीवन बदल सकता है, लेकिन यह समाज उन्हें बदलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहीं पर जाकर इनकी भोग लिप्सा शांत होती है। तो यहां पर सबसे बड़ी यह समझने वाली बात है कि जिसके आंगन की मिट्टी लाकर आप अपनी मां को बना लेते हो, जिसके आंगन की मिट्टी लाके उन्हें आप सम्मान देना चाहते हो, आज तक पिछले 3-4 हजार सालों में आपने ऐसा कौन सा सम्मान दे दिया कि उन बेचारी नारियों का जीवन स्तर बदल गया या उन्होंने इस दुष्कृत्य को छोड़ दिया? किसी ने कुछ नहीं छोड़ा। इसका कारण है कि दुर्गा का वहां से बहुत बड़ा रिश्ता होना, दुर्गा की मूर्ति में ये जो मिट्टी लाई जाती है, अगर उन वेश्याओं के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर वो दुर्गा का उन वेश्याओं से बहुत बड़ा रिश्ता है। वो कौन सा रिश्ता है ये आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि व्यक्ति
जहां से रहता है और जिसका निवास होता है, जिसका मूल होता है, वह मूल उसका कभी छूटता नहीं है। तो यहां पर उन वेश्याओं से दुर्गा का चोली दामन का साथ है और दूध और खून का रिश्ता है। इसीलिए आज पूरे देश में जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उन मूर्तियों में वेश्या के आंगन की मिट्टी होती है। और अगला रहस्य, एक रहस्य और भी है जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा, जिसे आप कल देख सकते हैं। वह रहस्य होगा दुर्गा को, आखिर दुर्गा को इन्हीं 9 दिनों के बाद क्या ऐसा था कि वह मृत्यु को प्राप्त होती हैं या उनकी मूर्ति को विसर्जन कर दिया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यह जानने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा चाहूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। विदा चाहते हैं। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरिया साथियों।